केजरीवाल के अंदर सबसे बड़ी कमी ही इस प्लेइंग अ ट्रम्प कार्ड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, चाहे तो जेएनयू एएमयू इस जैसे धरनों को वो आराम से कैप्चर कर सकते, सब कुछ मेंटेन कर सकते, यहाँ के डिसिप्लिन को मेंटेन करते, बट ही इज द वन जो ये करा रहा है। तो बीजेपी सरकार अगर होती तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की चीजें यहाँ होती। जैसे यूपी में है तो ऑल थिंग इज मेंटेन, जितने यहाँ मुसलमान है इतने वहां भी मुसलमान है, दैट्स इट। और वो जान रहा है कि अभी कोई मुद्दा नहीं है हाईलाइट होने का, एक मुद्दा वही है CAA, तो वो उस मुद्दे में आगे आगे। अब एक चीज देखिए, आप नोटिस करिए, मैक्सिमम मुसलमान क्यों, हिंदू क्यों नहीं, सिख क्यों नहीं, ईसाई क्यों नहीं, सिर्फ मुसलमान ही क्यों? ट्रम्प कार्ड वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल के यहाँ के वोटर्स को सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ये हिंदू मुस्लिम पे, सर एक मिनट, जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो गई है इस टाइम, तो मैं हिंदू मुस्लिम पे एक चीज, एक छोटा सा एक मिनट का टाइम लूंगा आपका, कि ठीक है हम 2 महीने से पानी भी फ्री यूज कर रहे हैं, 2 महीने से बिजली भी फ्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज बताइए, अभी ये हिंदू मुस्लिम इतना कर चुका है, ये बोलता है कि बीजेपी करती है, लेकिन खुद केजरीवाल इतना गिर चुका है। आप एक चीज बताइए, यहाँ पे रिया नाम की लड़की को मानसरोवर पार्क में दिन दहाड़े एक मुस्लिम युवक के द्वारा चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है, केजरीवाल मौन रहता है। ये डॉक्टर नारंग को मार दिया जाता है मुस्लिम भीड़ के द्वारा, ये केजरीवाल चुप रहता है। उसके बाद में ये विशाल सक्सेना को मुस्लिम भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, केजरीवाल उस पर भी चुप रहता है। उसके बाद में एक ये जौनापुर साइड का ये एक पिता, मतलब मुस्लिम लोगों से अपनी बेटी का इज्जत बचाते हुए मार दिया जाता है, केजरीवाल उस पर भी चुप रहता है। उसके बाद में निर्भया के जो दोषी हैं उसको, निर्भया के दोषी को क्या किया जाता है कि उसके आप 10,000 रुपये दे रहे हैं और 10,000 रुपये के लिए उसके बाद में आप उसको सिलाई मशीन भी दे रहे हैं और आप अगले दिन ट्वीट कर रहे हैं कि ये कि आप हमें सरकार बनाइए, हम आपको मतलब 6 महीने में फांसी दिलाएंगे। आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? इतना हिंदुओं के लिए आपने एक स्टैंड नहीं लिया, अखलाक जो मारा गया आपके क्षेत्र में भी नहीं आता है, आप आंसू बहाने चले गए, क्यों किया आपने ऐसा? हिंदू ने आपको वोट नहीं दिया है? मैं आज खून के आंसू रो रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आप समर्थक था, मैंने केजरीवाल को वोट दिया था, मैं उसके साथ खाना खा के 12,000 रुपये फीस भरी थी, उसके साथ थाली आपको याद होगा, जब वो भिखमंगा भीख मांग रहा था लोगों से तो मैं भी था उसमें उसको भीख देने वाला। 12,000 आपको मैं उसका रेट बता देता हूँ, उसके साथ खाना खाने का 12,000 रुपये चार्ज था। मुझे एक आशा की किरण दिखी थी, जैसे कि मेरे साथ बहुत सारे युवाओं को एक आशा की किरण दिखी थी, इसलिए कि जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना, कहीं अगर केजरीवाल ने कर दिया ना तो काया पलट हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, इसने जिस थाली में खाया, जिस जनता ने इसको वोट दिया, ये उसी में मतलब छेद कर दिया। मतलब ये एक चीज जान लीजिए कि ये लोगों को समझ के उसके भावनाओं से खेला। मेरे से पूछिए मैं कितना आहत हूं इससे, मतलब मैं इतना आहत हूं। बस लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मतलब ये देख लीजिए कि कहीं हम 2 महीने के फ्री के बिजली और पानी के चक्कर में कहीं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जहर तो नहीं खोल रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, उनके लिए गड्ढा तो नहीं खोल रहे हैं। मैं 100% कह रहा हूं, उसको केजरीवाल को ये पता है कि मुस्लिम एकदम स्ट्रिक्ट है, मुस्लिम को मुस्लिम से सीखिए, अगर आपको सीखना है तो एकता क्या होता है, उनमें इतनी एकता है ना कि केजरीवाल जानता है कि अगर मैं एक चीज, मंदिर टूटने के बाद भी एक ट्वीट उसका नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये विशेष समुदाय के लोगों ने मंदिर तोड़ा है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अमरतुल्ला खान उसका दिन दहाड़े दिल्ली में आग लगा देता है, दिल्ली को आग में झोंक देता है, लेकिन वो क्या करता है, एकदम शांत बैठा हुआ है, उसको एक बार कोई ट्वीट तक नहीं आता है कि या नहीं, वो समझा पाता है अमरतुल्ला को और उसका साथ दे रहा है। उसके बाद उसका मंत्री सिसोदिया आके क्या चैनल पे खुले कैमरा में कह रहा है कि हाँ हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, एक चीज बताओ, क्या हिंदू तुम्हें वोट नहीं दिए थे? जिस दिन हिंदू से तुम वोट मांग रहे थे उस दिन मतलब क्या हो गया था, हिंदू से वोट ले ली? वो जानता है भली भांति कि हिंदू को हम, हिंदू में एकता नहीं है, हम हिंदू को बिजली पानी फ्री का लालच दे करके हम उनसे फिर से वोट ले लेंगे, लेकिन वो जानता है कि मुस्लिम में इतना एकता है कि अगर एक काम गलत कर दिया, 9 करोड़ रुपया पर मंथ
185 मस्जिदों को 9 करोड़ रुपया ये दे रहा है, हज हाउस के लिए जमीन दे रहा है, हर चीज होते हुए भी, लेकिन वो एक बार कोई एक स्टेटमेंट आप उठा के बता दीजिए कि किसी के मतलब मुस्लिम के खिलाफ उसका एक ट्वीट आया हो। वो जानता है कि मैं कितना भी कर दूंगा, अगर एक खिलाफत कर दिया मुस्लिम लोग मेरे से साइड होकर कांग्रेस के पास चले जाएंगे, इसलिए वो जान रहा है। और वो ये भी जान रहा है कि हिंदुओं में कोई आपसी सहमति नहीं है, उसमें हमेशा फूट रहा है और इसका वो फायदा हमेशा वो जैसे दूसरे पार्टी उठाते आ रहे हैं वैसे ये भी सोच रहा है कि मैं भी उठाऊंगा। लेकिन इस टाइम हिंदुओं को यूनाइट होने की जरूरत है। नहीं, आपको पता है आप किस स्टेट से हैं, आप हिंदू हैं, आप एकजुट होइए और इसके खिलाफ वोट कीजिए, नहीं तो आने वाले आपके जो जो नई पीढ़ी है उसको उस जैसा भी साइन बाग है, आप जाके वहां जय श्री राम नहीं बोल सकते। ठीक इसी तरह हर कॉलोनी में जहां पे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, कश्मीर जैसे हालात पैदा होंगे, जैसे 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में एक मस्जिद से ऐलान किया गया था कि आप अपनी बहन बेटी को छोड़कर जाए मेरे लिए और निकल जाए, जो नहीं निकले उनको वहां मार दिया गया। ठीक उसी तरह आपके साथ तो मुझे नहीं लग रहा इतना जल्दी होगा, क्योंकि अभी सेंट्रल में बैठा हुआ है उनका बाप। तो इसलिए मैं बता दूं कि ये लोग अगर नहीं आप नहीं समझे, अगर ये फ्री के बिजली के और वो पानी के अगर आपने फांसी का फंदा चढ़ गए तो आपका आने वाला बच्चा, मैं कह रहा हूं उसके लिए आप एक नरक में उसको धक्का देके जा रहे हैं। आज मैं बताता हूं, मेरा फ्रेंड है सुरजीत सिंह रावत, उनका मकान है बुराड़ी में, सामने मस्जिद बन गया है। उनके फादर ने फौजी से रिटायर करके 32 लाख रुपए में मकान बनाया 60 गज का, आज वो मकान 18 लाख रुपए में नहीं बिक रहा है। क्यों? क्योंकि वहां मुस्लिम बस गया, वहां पे मस्जिद सामने बन गया है, इस वजह से कोई लेगा कौन, वो मुस्लिम ही लेगा, इसलिए लेगा कि वो रेट को आधे से आधे करके लेगा। जहां इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी ना, एक एक करके तुम कटोगे और मरोगे और तुमको भगाया जाएगा वहां से। और अभी आंख नहीं खुला तो जिंदगी में कभी नहीं खुलेगा, और आप लोग बस ऐसे ही सोते रह जाओगे, वो अपना काम करके चल देंगे। इस इलेक्शन में केजरीवाल, इस इलेक्शन में केजरीवाल मुद्दे लेकर आ रहे कि उन्होंने स्कूल में काम कराया, हॉस्पिटल में काम कराया। मैम स्कूल आपने क्या बोला, एक तो स्कूल बोला, एक हॉस्पिटल बोला, दूसरा पानी के नाम पे भी मांगता है, बिजली के नाम पे भी मांगता है। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगा। मेरे मित्र हैं एक सीए दीपक जी, ये हैं यहीं पास में ही हैं, तो उन्होंने ये देखिए आरटीआई लगा के, वो जानते हैं कि मैं इन सब का नॉलेज रखता हूं, तो ये देखिए उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा है, और जो भेजा है आप रिपोर्ट देखिए उनको। दीपक जी सॉरी दूसरे फोन में, मैं आपको बता दूं उन्होंने आरटीआई लगाया हुआ है, 13 आरटीआई लगाने के बाद में उनके आरटीआई का जवाब भी ऐसा है, आप देखोगे ऑलरेडी आप डीटीसी फ्री कर दिया है, आप आरटीआई उन्होंने भी अपना आरटीआई मुझे भेजा है, अभी जो लड़का फोन लेके आया था खुलाने उसमें है सारा डिटेल, उसमें भी दिया हुआ है कि ऑलरेडी 7,500 करोड़ के घाटे में है। आप प्रूफ क्या करना चाहते हो फ्री दे करके? वो चाहते हैं कि किसी तरह मैनिपुलेट करके। मैं स्कूल का कहानी आपको बताता हूं कि कुछ स्कूल 70 से 75 स्कूल किए गए हैं अच्छे, उसके बाद किसी स्कूल की और उसके 75, और उसमें भी बताता हूं कितना बड़ा घोटाला किया है, 2,000 करोड़ का घोटाला है उसमें। मैं काम करता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, मैं आपको बता दूं जितने भी मैं स्कूल के गया हूं, जिसमें वो काम करवाया है ना, उस स्कूल में विजिट किया हूं, 3.5 लाख रुपए से ऊपर का एक सामान नहीं है, जिसका 25 लाख का बिल पास कराया गया है। इस तरह से 2,000 करोड़ का ये घोटाला किया है, हर काम के बाद नाली खुदवा के छोड़ दिया है ये हम लोग के कॉलोनियों में, और ये खून के आंसू लोगों को रुला रहा है। बस अपना थोपड़ा, रोज ये अपना थोपड़ा बड़े से पोस्टर पे चिपका देगा कि दिल्ली वालों खुश हो जाओ। ये हर जगह आपको ना, कुछ जगह पे मेट्रो का ये पुल बनवाया था, मेट्रो का पुल बनवा दिया, और पुल बना के क्या लिखता है, एक जगह पुल बनाया जो मुश्किल से मतलब एक छोटा सा पुल होता है, हर जगह मेट्रो को रोड क्रॉसिंग पुल बनवाने के बाद लगभग 700 पोस्टर ये लगवाता था हर जगह। आज भी एक कॉलोनी का नाली खुदवा के छोड़ देगा और वहां पे कम से कम 150 पोस्टर अगल बगल में लगवा देगा। मतलब ये लगा लो, ये इतना गंदा राजनीति कर रहा है, और मतलब इसका जोड़ ये किसी से नहीं है, मतलब सबसे नीचे गिर चुका है, कांग्रेस से भी नीचे गिर चुका है ये। और मैं कह रहा हूं यहां पे यूनाइट होकर के वोट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक युवा हैं और आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप किसी कास्ट के हैं, किसी जात के हैं, उससे मतलब नहीं, आप राष्ट्रहित में वोट करें। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, जो
आपके जो आपके सवालों पे खरा उतरेगा उसके अलावा और कोई नहीं है, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके अलावा कोई, इसके मोदी जी के अलावा या बीजेपी के अलावा कोई चीज है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे मैंने धोखा दिया 2014 में, मैंने जिस तरह अपने आप को धोखा दिया ना कि हाँ बीजेपी से अच्छा काम करेगा केजरीवाल, मैंने ये सोच करके उसको वोट किया और ये वोट करके आज मैं खून के आंसू रो रहा हूँ और मेरे जैसे कम से कम लाखों युवा खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि उनको छला गया है, जैसे मुझे छला गया है उनको भी छला गया है।